सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइज, फाइनली इंडियन मार्केट में यामाहा ने अपनी एक न्यू R15M लॉन्च कर दी है, जो कि होने वाली है कार्बन फाइबर एडिशन। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कार्बन फाइबर ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। बाकी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि और क्या क्या चेंजेस होने वाली है इस न्यू R15 में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आप पूरा एंड तक देखना, ताकि आप कोई भी अपडेट या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कलर के बारे में। तो गाइज, आपको R15M में सिर्फ एक कलर देखने को मिलती थी, जो कि है यहाँ पर मेटालिक ग्रे, जिसकी एक शोरूम प्राइस थी ₹1,98,000। बट यहाँ पे गाइज एक और नया कलर लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे इस बाइक की एक शोरूम जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर दी गई है ₹10,000 से, और जो नई कलर है उसकी नेम है आइकन परफॉर्मेंस। तो आप कलर का नाम सुन के ये मत समझना कि इस बाइक में कोई परफॉर्मेंस में चेंजेस मिलने वाली है आपको। इस बाइक में आपको केवल कलर चेंज मिलेगी, और जो कि बाइक को अच्छी बनाती है लोगों के नजर में। तो चलिए गाइस, और बात करते हैं इस बाइक के कलर के डिटेल में, और आप लोगों को बताते हैं कि ये बाइक कैसी लगती है कार्बन फाइबर में। तो आप फ्रंट से लुक देख सकते हो कि कितनी अच्छी लग रही है कार्बन फाइबर ग्राफिक्स के साथ, बिल्कुल अलग लग रही है इस सेगमेंट में। और साइड लुक आप लोग देख सकते हो कि सिल्वर, ब्लू और ब्लैक कार्बन फाइबर में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, जो कि इस सेगमेंट में ये इस बाइक को बहुत अलग बनाने वाली है। सो अगर इस बाइक की साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, तो पहले से इसकी साइड प्रोफाइल जो है और अच्छी दिखने वाली है। तो आपको इस बाइक की साइड प्रोफाइल में भी कार्बन फाइबर ग्राफिक्स देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको साइड फेयरिंग में R15 की बैजिंग देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ LED इंडिकेटर्स हैं, आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोगों को यामाहा के नीचे बैजिंग देखने को मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं इस बाइक की फ्यूल टैंक के बारे में। तो फ्यूल टैंक आप लोग देख ही सकते हो कितनी अच्छी लग रही है और कितनी अलग दिख रही है। तो इसकी फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी होने वाली है वो है 11 लीटर। तो चलिए अब बात करते हैं इस बाइक की सीट के बारे में। तो इसकी जो सीट होने वाली है वो पूरी लेदर सीट मिलने वाली है आप लोगों को। और इसकी सीट की हाइट की बात करें तो सीट हाइट है 815 mm। सीट की जो क्वालिटी होने वाली है वो भी आपको बहुत ही प्रीमियम मिलने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं बाइक की रियर प्रोफाइल के बारे में, तो इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो भी बहुत ही अच्छी दिखने वाली है और बहुत ही प्रीमियम फील देने वाली है। तो चलिए इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छी TFT डिस्प्ले मिलने वाली है इस बाइक में, और आप देख सकते हो कितना इन्फॉर्मेटिव है ये डिस्प्ले। और जैसे ही स्विच लाइक इग्निशन ऑन करते हैं तो बहुत अच्छा एक यामाहा लिखा हुआ सामने आता है, देखना आप लोग, यहाँ पे दिखेगा, देखो कितना प्रीमियम लुक देता है ये। तो मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और इसके डिस्प्ले पे ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आपको। और ये जो TFT डिस्प्ले है, इसके वजह से ना, इस कंसोल की वजह से ही बाइक बहुत अच्छी लगती है। और ये शायद इसको ना MT15 में भी अपग्रेड करके लाना चाहिए यामाहा वालों को। बाकी इस पे आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। तो इस बाइक में ऑफर किए गए हैं 155cc का लिक्विड कूल इंजन, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस करता है 18.4 PS का पावर, और यहाँ पे आपको इस बाइक से 14.2 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बाकी अगर गियर बॉक्स का बात करें तो इस बाइक में आप लोगों को मिलने वाला है 6-speed गियर बॉक्स विद क्विक असिस्ट एंड स्लीपर क्लच, और ये बाइक E20 कंप्लायंस के साथ देखने को मिलने वाली है। इस बाइक में क्विक असिस्ट एंड स्लीपर क्लच इस बाइक के परफॉर्मेंस को और इनहेंस कर देगी। तो चलिए बाकी अब बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। तो आपको गोल्ड कलर के KYB के USD फॉक्स सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको इस बाइक के रियर में मोनोस्टॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट ब्रेक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट में मिलने वाले 288 mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक, और यहाँ पे अगर बात करें हम रियर ब्रेक के बारे में, तो रियर ब्रेक में आप लोगों को मिलने वाले 220 mm के डिस्क ब्रेक, और इसके साथ साथ आप लोगों को मिलने वाले हैं डुअल चैनल ABS, जो कि राइडर और बाइक दोनों की सेफ्टी को बढ़ा देती है। अब बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी 180/17 और रियर में देखने को मिलेगी 140/70 R17 टायर प्रोफाइल। बाकी यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों में 17 inch के व्हील साइज मिलने वाली है आपको। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में। तो इस बाइक में आपको मिलने वाले ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, डुअल हॉर्न और साथ में हजार्ड लाइट इंडिकेटर, और इस बाइक में आप लोग को ऑल LED लाइटिंग का सेटअप मिलने वाला है, और इसकी जो कंसोल होने वाली है वो TFT डिस्प्ले के साथ आने वाली। तो ये सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इस बाइक में मिलने वाली है। बाकी बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो ये बाइक 215,000 ऑन रोड मिलने वाली है, जो मैं ये प्राइस बात कर रही हूँ दिल्ली में मिलने वाली है आपको। तो मैंने आप लोग इस बाइक के बारे में कंप्लीटली बता दिया। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आप लोग अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तो जो भी चैनल पर नए हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, बाय।